अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम फाइलम नाइडेरिया को समझने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा एजेंडा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम नाइडेरिया एंड क्लासेस ऑफ फाइलम नाइडेरिया। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फाइलम नाइडेरिया के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फाइलम नाइडेरिया इंक्लूड्स 9000 स्पीशीज़। फाइलम नाइडेरिया में 9000 स्पीशीज़ मौजूद हैं। दे आर कॉमनली कॉल्ड सीलेंट्रेड। इनको हम कॉमनली कहते हैं सीलेंट्रेड। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में फाइलम पोरिफेरा को पढ़ा था, उसको हम कॉमनली कहते हैं स्पंजीज। तो इसी तरीके से फाइलम नाइडेरिया को जो मेम्बर्स हैं उनको हम कॉमनली कहते हैं सीलेंट्रेड। अब क्या वजह है इनको सीलेंट्रेड कहने की, इसकी एक वजह है जो कि हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे आगे। इट इंक्लूड्स हाइड्रा, जेलीफिशेस एंड सी एनिमल्स। फाइलम नाइडेरिया में जो एनिमल्स आते हैं वो हैं हाइड्रा, जेलीफिशेस एंड सी एनिमल्स। नाइडेरियंस आर ऑल एक्वाटिक, मोस्टली मेरीन एंड सम लिव इन फ्रेश वाटर। नाइडेरियंस के जितने भी मेम्बर्स हैं वो तमाम के तमाम पानी में रहने वाले हैं। उसमें से जो मोस्टली यानी कि मेजॉरिटी मेम्बर्स जो हैं वो मेरीन वाटर हैं, जबकि कुछ मेम्बर्स जो हैं वो फ्रेश वाटर में रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फाइलम नाइडेरिया की बॉडी की। दे आर रेडियली सिमेट्रिकल एंड डिप्लोप्लास्टिक। रेडियल सिमेट्रिकल मैंने अपनी लास्ट प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि रेडियल सिमेट्रिकल वो होते हैं, मतलब हम उनको किसी भी एंगल से कट करें तो वो इक्वली हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं रेडियल सिमेट्रिकल। तो फाइलम नाइडेरिया जो होते हैं वो रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं एंड डिप्लोप्लास्टिक। और इनके पास दो लेयर्स मौजूद होती हैं, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, जिसे हम कहते हैं डिप्लोप्लास्टिक। दियर बॉडी वॉल इनक्लोसेज अ होलो कैविटी और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और सीलेंट्रोन, हेंस द नेम सीलेंट्रेट। इनकी जो बॉडी होती है उसके पास एक होलो कैविटी या फिर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मौजूद होती है, जिसे हम कहते हैं सीलेंट्रोन। यही वजह है कि फाइलम नाइडेरिया के मेंबर्स को हम सीलेंट्रेट कहते हैं, क्योंकि इनके पास गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मौजूद है सीलेंट्रोन, हेंस एंड हेंस द नेम सीलेंट्रेट। दे हैव वन ओपनिंग सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस। इनके पास एक ओपनिंग है जो कि माउथ का भी काम करती है और एनस का भी काम करती है। दे डू नॉट हैव रेस्पायरेटरी, एक्सक्रीटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन अकर डायरेक्टली बाय डिफ्यूजन इन द सेल मेम्ब्रेन। फाइलम नाइडेरिया के जो मेम्बर्स हैं उनके पास ना ही रेस्पायरेटरी सिस्टम होता है, ना ही एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है और ना ही उनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है। तो ये रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन जो करते हैं वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए करते हैं, और डिफ्यूजन का प्रोसेस सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। अब हम बात कर लेते हैं डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की। नाइडेरियंस आर कॉल्ड डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स। इन बिटवीन दीज टू सेलुलर लेयर्स एंड नॉन सेलुलर गैलेटिनियस मास कॉल्ड मेसोग्लिया, नाइडेरियंस हैव टिश्यूज बट लैक ट्रू ऑर्गन्स। नाइडेरियंस जो हैं वो डिप्लोप्लास्टिक है, यानी कि उनके पास दो लेयर्स मौजूद होती हैं, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। अब एंडोडर्म और एक्टोडर्म के दरमियान में एक उनके बिटवीन में एक नॉन सेलुलर गैलेटिनियस मास होता है, जिसे हम कहते हैं मेसोग्लिया। तो मेसोग्लिया जो है वो एक गैलेटिनियस मास है जो कि किन दो लेयर्स के दरमियान होगा, एंडोडर्म और एक्टोडर्म के दरमियान होगा। नाइडेरियंस जो होते हैं वो लैक करते हैं ट्रू ऑर्गन्स, लेकिन उनके पास टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। हमने फाइलम पोरिफेरा में ये पढ़ा था कि जो फाइलम पोरिफेरा के मेंबर्स हैं उनके पास सिर्फ सेल्स होते हैं, प्रॉपर टिश्यूज़ इनके पास मौजूद नहीं होते। लेकिन जो नाइडेरियंस हैं उनके पास टिश्यूज़ तो हैं लेकिन ट्रू ऑर्गन्स उनके पास मौजूद नहीं है। और जब जाहिर है जब ट्रू ऑर्गन्स भी नहीं है तो ट्रू ऑर्गन सिस्टम्स भी उनके पास मौजूद नहीं होंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं बॉडी फॉर्म्स ऑफ नाइडेरिया। देयर आर टू बॉडी फॉर्म्स ऑफ नाइडेरिया, पॉलिप्स एंड द सेकेंड वन इज मेड्यूसा। नाइडेरिया की दो तरह की बॉडी फॉर्म्स होती हैं, मतलब नाइडेरिया दो शक्लों में पाए जाते हैं, एक को हम कहते हैं पॉलिप और एक को हम कहते हैं मेड्यूसा। वन बाय वन हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। पॉलिप्स आर सिलेंड्रिकल, देयर माउथ एंड टेंटिकल्स प्रेजेंट एट अपर एंड ऑफ देयर बॉडी। एग्जाम्पल्स आर हाइड्रा, सी एनिमोन एंड कॉरल अकर इन पॉलिप। पॉलिप्स जो होते हैं उनका शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है, और उनका माउथ और टेंटिकल्स जो हैं वो उनकी बॉडी के अपर एंड पे मौजूद होगा, मतलब उनकी बॉडी के ऊपर वाले हिस्से पे मौजूद होगा। और इनका शेप कैसा होगा, इनका शेप सिलेंड्रिकल होगा। और पॉलिप्स की जो एग्जांपल हैं वो है हाइड्रा, सी एनिमोन और कॉरल्स, जो कि आपको पॉलिप की फॉर्म में नज़र आएंगे। सेकेंड है हमारे पास मेड्यूसा। मेड्यूसा जो होता है वो अम्ब्रेला लाइक होता है, मतलब उसका जो शेप है वो छतरी की तरह होता है। शेप्ड, देयर माउथ एंड टेंटिकल आर प्रेजेंट एट द लोअर एंड ऑफ देयर बॉडी।
पॉलिप में हमने देखा कि उनका माउथ और टेंटिकल जो है वो अपर एंड पे मौजूद होता है, जबकि मेड्यूसा का जो माउथ और टेंटिकल है वो लोअर साइड पे, लोअर एंड पे मौजूद होता है उनकी बॉडी के, मतलब नीचे की तरफ मौजूद होता है। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हैं जेलीफिश, जो कि हमें मेड्यूसा की फॉर्म में देखने को मिल जाती हैं। जेलीफिश अकर इन मेड्यूसा फॉर्म। अब हम बात करने जा रहे हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन फाइलम नाइडेरिया। सम नाइडेरियंस अल्टरनेट बिटवीन टू फॉर्म्स ड्यूरिंग देयर साइकिल। कुछ नाइडेरियंस जो हैं वो अपने आप को अल्टरनेट करते हैं, मतलब चेंज करते हैं दो फॉर्म्स में उनकी लाइफ साइकिल के दौरान। अब ए सेक्सुअल पॉलिप प्रोड्यूसेस मेल और फीमेल मेड्यूसा रिजल्ट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रॉम जाइगोट ट्रांसफॉर्म इंटू प्लेन्यूला लार्वा। ए सेक्सुअल पॉलिप जब भी रिप्रोड्यूस करेगा किसी भी मेल या फीमेल मेड्यूसा के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए, तो उसके नतीजे में हमें पता है कि एक जाइगोट बनेगा। अब वो जो जाइगोट बना है वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा एक लार्वा में, और उस लार्वा को हम कहते हैं प्लेन्यूला लार्वा। द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग ए सेक्सुअल फॉर्म बाय सेक्सुअल फॉर्म इज कॉल्ड अल्टरनेशन और जनरेशन। वो फिनोमिना, वो प्रोसेस जिसमें ए सेक्सुअल फॉर्म अपना आपको चेंज करे रिप्रोड्यूस करके सेक्सुअल फॉर्म में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं अल्टरनेशन और जनरेशन। इसमें अल्टरनेशन और जनरेशन में क्या होगा, एक चीज़ दोबारा अपने आपको रिप्रोड्यूस करके दूसरी उससे अपनी हालत में आ जाएगी, इस प्रोसेस को हम कहते हैं अल्टरनेशन और जनरेशन। अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है जिसे हम कहते हैं क्लासेस ऑफ फाइलम नाइडेरिया। तो तीन क्लासेस हैं फाइलम नाइडेरिया की, हाइड्रोजोआ, स्काइफोसोआ एंड एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ की हम पहले बात कर लेते हैं। मिजोग्लिया नॉन सेलुलर एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजोआ इज हाइड्रा। मिजोग्लिया जो होता है इनका वो नॉन सेलुलर होता है, मिजोग्लिया हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, और हाइड्रा इसकी एग्जाम्पल है हाइड्रोजोआ की। स्काइफोसोआ में क्या होगा, इनका जो मिजोग्लिया होगा वो सेलुलर होगा, और इसकी एग्जाम्पल है जेली फिश। एंथोजोआ में भी मिजोग्लिया सेलुलर होगा, और एंथोजोआ की एग्जाम्पल जो है वो है कोरल एंड सी एनिमोन। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर